आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबर है, नीट की सीबीआई जांच, एनटीए डीजी को हटाया। नेट और नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच सरकार ने शनिवार को कई अहम फैसले लिए। नीट यूजी की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। शनिवार रात शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए। रविवार को होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। वहीं सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया। उनकी जगह उत्तराखंड के दून निवासी प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया गया है। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। भारत बांग्लादेश में तीस्ता परियोजना समेत 10 समझौते हुए। कश्मीर में अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में चलेगी ट्रेन। सरकारी कर्मचारी शिक्षकों का 1 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा। तो उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में हुई बैठक में कॉरपोरेट सेविंग बैंक सैलरी पैकेज के तहत कर्मचारी शिक्षकों का दुर्घटना बीमा 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक करने की मंजूरी दी गई। यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके वेतन के खाते सरकार के साथ करार हुए बैंकों के साथ होंगे। दोपहर 1 बजे में सचिवालय के विश्वकर्मा बिल्डिंग में हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। मंत्रिपरिषद विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने मीडिया सेंटर में बताया कि सरकार ने विभिन्न 13 बैंकों के साथ इस संबंध में वार्ता की, जिसमें फिलहाल 4 बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक ने सहमति जताई। इन बैंकों में जिन कर्मचारी के वेतन के खाते हैं या जो भविष्य में खोलना चाहेंगे उन्हें सेवा प्रदाता बैंक 30 लाख से 1 करोड़ रुपये तक दुर्घटना बीमा देगा। कर्मचारियों के साथ सर्विस के दौरान कोई हादसा होने पर भी यह लाभ मिलेगा। इसी तरह अपंगता पर 40 लाख से 1 करोड़ और सामान्य मृत्यु पर 1 से 6 लाख रुपए तक बीमा राशि मिलेगी। संबंधित कर्मचारी शिक्षकों के ग्रेड पे के अनुसार ही बीमा राशि निर्धारित होगी। आउटसोर्स कर्मचारी नहीं आएंगे दायरे में। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में 35,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें लगभग 20,000 कर्मचारी उपनल के जरिए लगे हैं। फिलहाल इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर मुहर लगी। शहरों में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बनाने को प्राधिकरण बनेगा। मासू देवता मंदिर के मास्टर प्लान को मंजूरी मिली। सहकारी समितियों की प्रबंधन समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। विभिन्न प्राधिकरणों के मिनिस्ट्रियल कर्मियों की सेवा नियमावली को मंजूरी मिली। पर्यटन नीति के तहत अगले 5 साल तक सब्सिडी। फूड सेफ्टी लैब के मोबाइल वैन के लिए 13 पद मंजूर हुए। रुद्रप्रयाग हादसे में 4 परिवहन कर्मचारी सस्पेंड। तो रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो ट्रैवलर यात्री वाहन की चेकिंग में लापरवाही बरतने पर परिवहन विभाग ने ब्रह्मपुरी चेकपोस्ट के 4 कर्मचारियों को शनिवार को निलंबित कर दिया। छात्रावास और प्लेटफॉर्म टिकट को जीएसटी से छूट। तो रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट, प्रक्षालय, विश्राम कक्ष, क्लॉक रूम, बैटरी से चलने वाली कार सेवा जैसी सुविधाओं को जीएसटी से छूट मिलेगी। एनटीए के डीजी बर्खास्त। नीट में गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को। फर्जी इनवॉइस रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन धारा 73 में ब्याज जुर्माना माफ। तो जीएसटी काउंसलिंग के बड़े फैसले। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता होगा। सहकारी बैंक के 4 कर्मचारी बर्खास्त। तो जिला सहकारी बैंक में हुई चतुश्रेणी के पदों पर भर्ती में हुई धांधली के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में नियुक्ति पा चुके 5 कर्मी गड़बड़ी के दोषी पाए गए हैं। इनमें नियुक्ति के बाद 1 कर्मी की मौत हुई है जबकि 4 को बर्खास्त कर दिया है। अनुशासनहीनता पर 5 प्रचारियों समेत 6 पर कार्रवाई। तो शासन ने अनुशासनहीनता के आरोप में राजकीय महाविद्यालयों के 5 प्रचारियों समेत 6 के खिलाफ कार्रवाई की है। महानगरों में परिवहन प्राधिकरण महिलाओं को 33% आरक्षण, कर्मचारियों को सौगात। तो लोकसभा चुनाव के बाद धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। टेम्पो ट्रैवलर हादसे में लापरवाही पर चेकपोस्ट प्रभारी समेत 4 कर्मचारी निलंबित हुए। बाबा बर्फानी के भव्य दर्शन यात्रा 29 से भारत बांग्लादेश के बीच अहम समझौते हुए। धारचूला आदि कैलाश सड़क पर बनेगी टनल।
पानी के विवाद में पिता पुत्र की हत्या कर दी। आय बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाएं। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की कार्यकारिणी का होगा विस्तार। कांवड़ यात्रा की तैयारी, घाटों पर तैनात किए जाएंगे आपदा मित्र। अनुरोध के आधार पर 19 प्रधानाध्यापकों के तबादले, तो शिक्षा विभाग ने अनुरोध के आधार पर दुर्गम क्षेत्र में 19 प्रधानाध्यापकों के तबादले किए गए हैं। शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। दुर्गम से सुगम में हुए अनिवार्य तबादले, तो शिक्षा विभाग में 6 प्रधानाध्यापकों के दुर्गम से सुगम में अनिवार्य तबादले किए गए हैं। प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती रद्द करे सरकार, तो राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती को रद्द करने की मांग की है। संगठन की शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में हुई बैठक में शिक्षकों ने कुछ मांगों को प्रमुखता से उठाया। वहीं पूर्व में कुछ मांगों को मानने पर शिक्षा मंत्री का आभार जताया। उपचुनाव, बसपा ने दी 13 स्टार प्रचारकों की सूची। प्रदेश में भूस्खलन के अध्ययन को राष्ट्रीय संस्थान की मांग। धामी सरकार का कानून देश के लिए बना रोल मॉडल। कैबिनेट के फैसले, प्रदेश में विद्युत सुरक्षा होगी मजबूत, नए पद बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश में 60 के बजाय 65 की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे विशेषज्ञ चिकित्सक। 32 बैंकों में है प्रदेश के कर्मियों के सैलरी अकाउंट। उत्तराखंड पहला राज्य जहां समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। यातायात सुधार को बनेगा प्राधिकरण, शुरुआत दून, ऋषिकेश व हरिद्वार से। सहकारी समितियों की प्रबंधन समिति में महिलाओं को 33% आरक्षण। प्रवेश परीक्षाएं फुल प्रूफ बनाने को 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित हुई। छात्रों के हॉस्टल में रहने पर नहीं लगेगा GST। भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना तय हुआ। दून के 80 ओवर हेड टैंक में आएगा सोंग बांध परियोजना का पानी। 66 वार्ड में होगी आपूर्ति। नैनीताल में छुट्टी मनाने आए सैलानी जाम से जूझे, तो सरोवर नगरी की मॉल रोड पर शनिवार सुबह से ही जाम के हालात रहे। भवाली में SDM का वाहन करीब 1 घंटे तक फंसा रहा। वीकेंड पर पहला दिन और दोपहर से ही थम गए पहिए। राज्यपाल को भेंट किया कॉफी टेबल बुक। 40 साल से ज़्यादा पुराना गेस्ट हाउस जुलाई में होगा ध्वस्त। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो उत्तर प्रदेश अधिसेवा चयन आयोग में 4,376 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी के 158 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रबंधक प्रशिक्षु के 162 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। CCI ने जारी किया विज्ञापन, 214 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय पटना में 80 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। DVC टावर कोलकाता में 64 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कोसानी में राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग रेस प्रतियोगिता शुरू हुई। बागेश्वर की जिला योजना के 8% बढ़ोतरी हुई। 3 नए कानूनों को दी गई जानकारी, तो 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। झूला पुल के खुलने को लेकर के अब भी असमंजस है। सल्ट थाने में तैनात कांस्टेबल के हादसे में मौत। सल्ट थाने में तैनात केलाखेड़ा US नगर निवासी पुलिस कांस्टेबल की हादसे के उपचार के दौरान मौत हो गई। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को फिर लगा झटका, तो राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज लंबे समय से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। हालत यह है कि फैकल्टी की कमी के चलते कुछ में तो विभाग तक बंद हो रहे हैं। अलर्ट, कुमाऊं के 4 जिलों में आज से भारी बारिश। उत्तराखंड में रविवार रात से पहाड़ी इलाकों में, खासकर कुमाऊं के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं नैनीताल में कुछ दिन पहले तक गर्मी झेल रहे लोगों को शनिवार को हुई बारिश से राहत मिली। नलकूप खराब, हजारों लोग हुए परेशान। लापता छात्रा पर महिला आयोग ने लिया संज्ञान। आश्वासन पर 14 दिन टाला आंदोलन। उत्तराखंड में आज से होगी प्री मानसून की बारिश, उत्तराखंड में रविवार से प्री मानसून की बारिश हो सकती है। नीट मामले में ABP युंका का प्रदर्शन, तो ABP ने NTA की भूमिका पर उठाए सवाल। युवा कांग्रेस और छात्र संगठनों ने भी आक्रोश जताया।
नीट में गड़बड़ी या क्या आरोपियों पर कार्रवाई के लिए नारेबाजी की, छात्रों ने डीएवी के गेट पर किया एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन। उत्तराखंड ने केंद्रीय बजट में मांगी विशेष सहायता, हर जिले में तैनात होंगे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्टर ऑफिसर। तो अब डीएम और एसपी की तरह हर जिले में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्टर ऑफिसर भी तैनात किए जाएंगे। गढ़वाल मंडल में जल्द शुरू होगा लकड़ी कटान। मसूरी में 25 परेशानों पर कार्रवाई, तो किचन वेस्ट बरसाती पानी सीवर लाइन में डालने पर कार्रवाई की गई। कैपिटेशन फीस ली तो स्कूल की मान्यता होगी रद्द। अवैध संबंधों के शक में पति पत्नी के रिश्ते को कर दिया खोखला, तो किच्छा में हत्या। तो अशोक का विवाह 8 वर्ष पूर्व पूनम के साथ हुआ था। अशोक ढाबे में काम करता था, शुरू में पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल था, बाद में अशोक पत्नी पर अवैध संबंधों को लेकर शक करने लगा, इससे उनका रिश्ता धीरे धीरे खोखला होता चला गया। अवैध संबंधों में आड़े आ रही थी पत्नी, तो पहले गला घोटा फिर गोली मारी। एक युवती से विशाल के अवैध संबंध थे, पति और कार चालक से पूछताछ कर रही राजस्थान पुलिस। बाजपुर में युवती ने जहर खाया गंभीर, तो तहसील में समय शनिवार को अज्ञात कारणों से चलते एक युवती ने जहर खा लिया। प्रसव के बाद महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा, तो काशीपुर से खबर है, प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई, इस पर गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। सड़ थाने में तैनात केलाखेड़ा के कांस्टेबल के हादसे के बाद मौत हो गई। युवक के शरीर पर हुई मामूली दानों से जान पर बनाई, तो स्वास्थ्य के प्रति छोटी सी लापरवाही भी कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। इसका उदाहरण उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में सामने आया, यहाँ एक युवक के पीठ पर हुए दानों को लेकर गलत इलाज से जान आफत पर फंस गई। शिक्षकों को तबादलों में काउंसलिंग सुविधा देंगे, तो कुछ प्रमुख मांगों पर कार्रवाई के लिए आभार जताते हुए राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत को सम्मानित किया। शनिवार शाम तपोवन स्थित राजीव गांधी विद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में संघ पदाधिकारियों ने शॉल उड़ाकर मंत्री को धन्यवाद दिया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के तबादलों में काउंसलिंग की मांग पर हामी भरी। मांगे पूरी करने पर भरोसा कर्मियों पर आईना दिखाया, कहा मैदान छोड़कर कोई शिक्षक पहाड़ जाने के लिए तैयार नहीं है। 25 प्रधानाध्यापकों के तबादले हुए। शिक्षा विद्यालय शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस, तो हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने पर निदेशक विद्यालय शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी किया गया। हादसे में पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की सिफारिश। शराब पिलाकर दलित युवती से दुष्कर्म, तो द्वाराहाट थाना क्षेत्र में 19 साल की दलित युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने पहले ही युवती को जबरन शराब पिलाई और फिर दुष्कर्म किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंगलोर में पुलिस की चेकिंग के दौरान लाखों का कैश बरामद, तो पकड़े गए कैश के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए दोनों लोग। मंगलोर उपचुनाव को लेकर के हाईवे पर वाहनों की सघन चेकिंग शुरू हुई, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक ने किया क्षेत्र का भ्रमण। चुनावी रंजिश में मासूम समेत 4 लोगों को पीटा, तो रुड़की से खबर आई है, रेलवे स्टेशन पर बनेगा नया फुट ओवरब्रिज। नाबालिग से दुष्कर्म किया गर्भवती होने पर चला पता, तो मंगलोर से खबर है, कुछ माह पहले एक युवक ने किशोरी को बेला फुसलाकर काम करने के लिए अपने घर बुलाया, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी का लगातार यौन शोषण होता रहा, यहां तक कि वह गर्भवती हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पत्नी के फोन पर पति को मारने की धमकी, तो एक परिवार में महिला के फोन पर पति को गोली से उड़ाने की धमकी भरा फोन आया। देहरादून के प्रदीप रखोला को एनटीए की कमान। इग्नू की 18 जून को स्थगित परीक्षा आज होगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, लकड़ी तस्करों को पकड़ने के लिए टीम ने छापेमारी की, तो त्यूनी से खबर रही है। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक भी मांग रहे वित्तीय प्रभार, तो माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाचार्यों को आरण वितरण का प्रभार देने के बाद अब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 5400 ग्रेड पे वाले प्रधानाध्यापकों ने भी वित्तीय प्रभार दिए जाने की मांग की है। मशीन के पार्ट चुराने में किशोर समेत 2 गिरफ्तार, तो सिला को इससे खबर आई है।
नहर में कूदे बेटे का शव मिला, पिता अभी भी लापता। तो बुधवार रात को शक्ति नहर में कूदे पिता पुत्र की तलाश में चौथे दिन के सर्च अभियान के दौरान SDRF की टीम को सफलता मिली। टीम ने नहर में डूबे पुत्र का शव बरामद कर लिया। पिता की तलाश अभी भी जारी है। सेलाकोहिया में 30 मकान मालिकों के चालान किए गए। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से वसूली करता फर्जी पुलिस वाला पकड़ा गया। तो रुड़की से खबर यह पहन रखी थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की वर्दी, न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। देहरादून से लेकर रुड़की पुलिस कर रही थी पीछा। छठी पास जरीफ बन गया सिपाही। तो शिक्षा नगरी के रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर एक अजीब मामला सामने आया, जब असली पुलिस का नकली पुलिस से सामना हो गया। लेकिन नकली वर्दी की हनक उत्तराखंड खाकी के सामने दो मिनट भी नहीं टिकी और पुलिस ने 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर खाकी की आन बान और शान की हिफाजत कर दी। वही खबर है मंगलोर से, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। शांति भंग की आशंका में 8 आरोपी गिरफ्तार हुए। घर में नकदी पायल चुराने वाला गिरफ्तार हुआ। नमाज पढ़ने को लेकर के हुए विवाद में 23 पर केस दर्ज किया। सिस्टम ने नहीं सुनी तो प्रधान ने निजी खर्च में बना दिया खेल मैदान। अमोड़िया में पिकअप खाई में गिरी चालक की मौत। तो चंपावत से खबर रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग के अमोड़ी के पास शनिवार सुबह एक पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया। हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई। पत्थर की चपेट में आने से महिला की मौत। तो तेजम तहसील के जंगल में घास काटने गई एक महिला की पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। सड़क की बदहाली के विरोध में प्रदर्शन किया। कोलियारों ताल में पर्यटक में पहरे में रहेंगे पर्यटक, ट्रक ने कार को मारी टक्कर। सावधान, दून के 34 इलाकों में डेंगू का ज़्यादा खतरा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती एक साथ। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क के उपयोग की नियमावली बनाने में देरी पर सख्त नाराजगी जाहिर की। सहकारिता में महिलाओं को 33% आरक्षण। बड़कोट में पेयजल योजना के लिए 2.90 करोड़ टेंडर जारी हुआ। रुद्रप्रयाग में 60 JCP तैनात रहेंगी। केदारनाथ आने वाले श्रद्धालु घटे। तो केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आने लगी है। एक ओर हेलीकॉप्टर कंपनियों के वापस जाने और दूसरे ओर बरसात में सड़कों के साथ ही पैदल मार्ग पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यात्रा में कमी आ गई है। यमुनोत्री धाम में अब तक 29 की मौत। चार धाम यात्रा पर आई वेस्ट बंगाल की एक महिला की यमुनोत्री के प्रमुख पड़ाव जानकी चट्टी में शनिवार तड़के मौत हो गई। गंगोत्री हाईवे पर चेतावनी बोर्ड लगे। विक्रम से लेकर मेट्रो तक उमटा तय करेगा परिवहन सेवाओं का खाका। मासु देवता मंदिर का मास्टर प्लान भी मंजूर हुआ। उत्तराखंड को 24 साल बाद भी ओलंपिक पदक का इंतजार। तो उत्तराखंड के हॉकी खिलाड़ी हरदयाल सिंह ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की थी। तीन प्रचारियों एक नोडल को प्रतिकूल प्रविष्टि तो नहीं की ऑनलाइन बैठक में निर्धारित रहने पर कार्रवाई हुई। प्रभारी प्रधानाचार्य को वित्तीय अधिकार मिले। छात्राओं को AI में दक्ष बनाएंगे। अस्थायी प्रशिक्षकों का न्यूनतम मानदेय 25,000 रुपये होगा। तो खेल विभाग में अस्थायी रूप से काम करने वाले कोचों को अब 25,000 से 45,000 रुपये तक मानदेय मिलेगा। इसके लिए खेल विभाग ने मानदेय के 3 स्लैब बनाए हैं। इसके साथ ही खेल विभाग में नियुक्त होने वाले कोच अब दूसरी जगह भी काम कर सकेंगे। खेल विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया है। रामनगर अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर भाजपा विधायक दिल्ली बिफरे। ओवरटेक में कार टकराई, बस चालक का दांत तोड़ा। करंट लगने से लाइनमैन पोल से गिरा घायल। तो लाल कुआं से खबर रही है, यमुना घाटी के रुद्रेश्वर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। तो 9 गांव में 65 गांवों के आराध्य रुद्रेश्वर महाराज थाना से बाहर आए। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 15 जुलाई से शुरू होंगे प्रवेश। श्रीनगर में वाहनों की भिड़ंत में युवक की मौत एक गंभीर। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ
राष्ट्रीय राजमार्ग पर फरासू के पास मैक्स और स्कूटी की आमने सामने की टक्कर में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मैक्स में सवार 10 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। मंदाकिनी के 10 किलोमीटर में मासीर के बच्चे डाले। रवि वडोला के हत्या आरोपी पर एक और मुकदमा दर्ज। धर्मपुर निवासी महिला ने आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का लगाया है आरोप। सार्वजनिक क्षेत्र में संस्थाओं में भर्तियां नहीं होने पर जताई चिंता। बस्तियों में ध्वस्तीकरण कल से होगा। तुरिसपन्ना के किनारे एनजीटी के आदेश पर चिन्हित अवैध रूप से बने मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई सोमवार से फिर शुरू होगी। महिलाओं की फर्जी आईडी बना किया जा रहा ब्लैकमेल। पौधे नहीं लगाने वाले बिल्डरों पर लगे जुर्माना। चंपावत पिथौरागढ़ में बाईपास निर्माण जल्द शुरू होगा। रानीधारा सड़क की दुर्दशा से गुस्सा लोगों का प्रदर्शन। बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर, पर्यटक बचे तो चौकुटिया से खबर है। लमगढ़ क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म किया। पंतनगर विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के रूपा का प्रवेश परीक्षा में स्नातक टॉपर बने। बद चलनी के शक में पत्नी को हंसी से काट डाला। एलटी के पद सृजित हैं तो चलानी होगी 6 से 8 की कक्षाएं। मसूरी में फिर जाम से जूझे पर्यटक। 9 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। दून में छाए रहेंगे बादल। रेरा में फैसलों से बढ़ रही रकम वसूली में नहीं दिख रहा है दम। दून की हरियाली बचाने के लिए पदयात्रा आज निकली। रोज मिल सकते हैं 2000, फिर भी गुरुजी कॉपी जांचने को तैयार नहीं। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों में शिक्षक प्रतिदिन 2000 रुपये में भी कॉपियाँ जांचने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सिरदे सुमन विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने दिया इस्तीफा। नीट को लेकर के युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। दून की 5 महिलाओं समेत 7 लोग हुए साइबर ठगी के शिकार। तो महिलाओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया अश्लील फोटो। 2 लोगों के साथ निवेश के नाम पर 15 लाख की ठगी की गई। सोनू भारद्वाज के खिलाफ एक और केस। पत्नी व 2 साथी भी नामजद हुए। मॉक ड्रिल में परखी पुलिस की तत्परता। श्री जगन्नाथ जी को 35 तीर्थ कलश से कराए स्नान। पेंशनर्स का कोषागार से हो भुगतान। गोल्डन स्मार्ट कार्ड की मिले सुविधा। तो सेवानिवृत्त कर्मियों को पानी के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। पीआरडी जवानों की वेतन वृद्धि की मांग की। ग्राफिकेरा में चिकित्सा की नई तकनीकों का सम्मेलन। रुद्रेश्वर महाराज मंदिर के कपाट खुले। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर जैक लगाकर मालन पुल का एक स्लैब किया शिफ्ट। सिरदे सुमन विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने दिया इस्तीफा। यमुनोत्री धाम आई महिला श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई। स्कूटी और मैक्स के आमने सामने की टक्कर एक युवक की मौत हो गई। सड़क पर तड़पते दिखे घायल तो अपनी गाड़ी से पहुँचाया अस्पताल। CUET UG के प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय ने शुरू की तैयारी। तो HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से CUET UG के प्रवेश को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि संभवतः 30 जून तक CUET UG प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही का आरोप। अफसरों ने नहीं दिया ध्यान तो ग्रामीणों ने चंदा जुटा बना लिया पुल। तो तिलवाड़ा से खबर आई है। चेक बाउंस के दोषी को 2 बार की सजा हुई। बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन जोन में नहीं हुआ डामीकरण, लग रहा है जाम। राज्य स्थापना के बाद माणा में पहली बार होगा मतदान। इंतजार खत्म, राजकीय इंटर कॉलेज तलेबन को मिला नया भवन। तो घनसाल से खबर है। जुलाई से जर्जर भवन में पढ़ाई कर रहे थे छात्राओं को मिलेगी मुक्ति। लापरवाही स्रोत के बजाय गदेरे से जोड़ दिए पेयजल योजना के पाइप। डॉक्टर बताते हैं नेपाली मूल के बच्चों की उम्र। कर्णप्रयाग सीढ़ियां नहीं हुई कम, अस्पताल तक पहुंचने में मरीजों के फूल रहा दम।
बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बैठक की गई। केंद्रीय बजट में उत्तराखंड को चाहिए जल, रेल और लैंडस्लाइड की रोकथाम में मदद। प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती रद्द करे सरकार। तो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में शिक्षक शिक्षा मंत्री और शिक्षकों के संग बैठक हुई। एंटी पेपर लीक कानून पर केंद्र की मोदी सरकार का जताया आभार। अल्मोड़ा की अनुसूचित जाति की युवती से किया दुष्कर्म। आयुर्वेद विश्वविद्यालय की पहल, प्रदेश भर में मिलेगी लीच थेरेपी की सुविधा। मानसून की दस्तक, 7 दिन में कैसे होगी 35 बड़े नालों की सफाई। कबाड़ी ने चाकू से की युवक की हत्या। तो हरिद्वार से खबर है, नगर कोतवाली क्षेत्र की घटना, अल सुबह दोनों के बीच हुआ था झगड़ा। 3 महीने से नहीं मिली वृद्धा और दिव्यांग पेंशन। शिक्षक सीखेंगे पढ़ाने के नए तौर तरीके। तो प्रदेश भर के शिक्षकों को बेहतर मूल्यांकन, नई शिक्षा नीति और पढ़ाने के तरीके सिखाए जाएंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड बोर्ड की ओर से जुलाई अगस्त में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 जुलाई से शुरू होंगे पीजी में प्रवेश के लिए पंजीकरण। पुलिस की वर्दी में यात्रियों को लूटने वाला दबोचा गया। एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर 4.32 लाख रुपये ठगे गए। दरोगा और उसकी पत्नी पर टैक्स चोरी का आरोप लगा। एक वर्ग के युवकों की पिटाई करने पर हंगामा, वीडियो वायरल हुआ। तो पत्र से खबर रही है, वीकेंड पर नैनीताल भीमताल में जाम से जूझे पर्यटक। तिरछे लगे खंभों के सहारे दौड़ रही बिजली। जापान से मंगाया सामान, देर रात सीटी स्कैन शुरू हुआ। तो हल्द्वानी से खबर रही है, नैनीताल और रामनगर में बरसे बदला। जमरानी बांध 1267 प्रभावित परिवारों पर तय होगा मुआवजा। करंट लगने से लाइनमैन गिरा, एसटीएच में भर्ती हुआ। कार सवार युवकों ने बस चालक को पीटा, दांत तोड़ा। तो हल्द्वानी से खबर रही है, बारिश से गोला में बढ़ा पानी, अब सल्ट ने रोकी आपूर्ति। पढ़ाई के तौर तरीके सीखेंगे गुरुजी। एलटी के पद सृजित है तो चलानी होगी 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं। जल दुर्गम विद्यालयों को मिलेंगे सहायक अध्यापक। तो उत्तराखंड शिशु चयन आयोग से सहायक अध्यापक पर चयनित 38 अभ्यर्थियों की शनिवार को काउंसलिंग हुई। चयनित अभ्यर्थियों को दुर्गम के विद्यालयों में तैनाती दी जाएगी। 36,000 फोन किए, राशन कार्ड बन पाए मात्र 14। विधायक के घर से 27 किलोमीटर रोड पर 200 से अधिक गड्ढे हैं। तो पार्टी से खबर रही है, 3 माह के भीतर शुरू करें बंदी यूनिटें। 2 तेंदुओं ने दुधारू गाय को बनाया निवाला। तो चंपावत से खबर रही है, अनियंत्रित पिकअप खाई में गिरी, चालक की मौत हो गई। 250 अवैध निर्माण चिन्हित, कल चलेगी जेसीपी। शिक्षक के संकल्प, बच्चों के हौसले से तैयार हो गया जंगल। तो देहरादून से खबर है, देहरादून में प्रेमिका के घर पिस्टल छिपाकर फरार हुआ था रामवीर। सोनू पर महिला के 15 लाख हड़पने का आरोप। रुद्रप्रयाग वाहन दुर्घटना प्रकरण में 4 परिवहन कर्मी निलंबित हुए। बोल्डर की चपेट में आने से महिला ने दम तोड़ा। तो नासनी पिथौरागढ़ से खबर रही है, विद्यालयों को और संसाधनों की कमी, विद्यालयों को बना रही खंडार। तो गंगोलीहाट में 10 साल से बंद हुए 24 विद्यालय। पीएम श्री स्कूलों के लिए 44 लाख की धनराशि जारी हुई। रोजगार मेले में 71 का चयन हुआ। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में हर साल तैयार होंगे 45 टेक्नीशियन। बागेश्वर में 59.62 करोड़ से जिला योजना अनुमोदित हुआ। युवक की आंख में घुसी लकड़ी। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, तेंदुए ने मवेशियों पर किया हमला, ग्रामीणों में दहशत। तो सोमेश्वर से खबर रही है, वीकेंड पर जागेश्वर धाम में उमड़े श्रद्धालु, पार्किंग पैक हुई। 80 साइकिलिस्टों ने किया क्रॉस कंट्री साइकिल दौड़ में भाग। जीवी पंत विश्वविद्यालय समेत उत्तराखंड के 4 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर। भाई भाभी के बीच सुलह कराने अपने घर लाई बहन खुद को कोस रही।
तो बोली, काश मैं काम पर नहीं जाती तो जिंदा होती भाभी, अब बच्चों की चिंता। ट्रॉली की टक्कर से कार सवार की मौत हो गई। परसों के बाद महिला की हुई मौत, परिवार में कोहराम मचा। स्नातक प्रवेश परीक्षा में अल्मोड़ा के रूपक टॉपर रहे। करंट